दोस्तों 9 दिसंबर फ्राइडे की शाम मैं खूनी मंडे के इंस्टाग्राम पर पहली बार लाइव आ रहा हूं, वो भी फेस टू फेस, आप लोगों से ढेर सारी बातें करने और आप लोगों के सवालों का जवाब देने। तो अपने सवाल जल्दी से रेडी करो और खूनी मंडे के इंस्टाग्राम पेज को अभी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कॉमेंट। भेड़िया एरिक 15 साल का एक लड़का था। उसकी माँ की 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। उनके गुजरने के बाद एरिक बहुत मायूस हो गया था। एरिक के डैड की नाइट शिफ्ट होने की वजह से वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे। एरिक ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया था। एरिक अपनी क्लास में अकेला बैठकर बस अपनी किताब में ड्राइंग्स बनाता रहता था। पर एक दिन एरिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन एरिक की क्लास में एक नया स्टूडेंट माइकल एडमिट हुआ था। माइकल दिखने में एक बहुत ही शर्मीला सा लड़का था। उसके ब्राउन बाल उसके पूरे माथे को ढके हुए थे और उसकी नीली आंखें उसके बालों के बीच से चमक रही थीं। माइकल की इंट्रोडक्शन के बाद वो एरिक के साथ आकर बैठ गया। माइकल एरिक से बात करने की कोशिश करने लगा पर एरिक किसी से बात नहीं करता था। वो माइकल को इग्नोर करके अपना सर झुकाकर अपनी किताब में ड्राइंग बनाने लगा। थोड़ी देर में स्कूल खत्म होने की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। एरिक भी अपनी साइकिल पर स्कूल से बाहर निकला कि तभी उसने देखा स्कूल गेट के बाहर कुछ लड़के माइकल को बुली कर रहे थे। माइकल ने एरिक को देखते ही उसे मदद के लिए बुलाया पर एरिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी साइकिल लेकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ दूर पहुंचकर एरिक को बहुत बुरा लगने लगा। उसके दिमाग में बार बार मदद मांगता हुआ माइकल आ रहा था। वो वापस स्कूल गया लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। तभी एरिक को माइकल अपनी साइकिल से एक रास्ते पर जाते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे वही लड़के लगे थे जो उसे बुली कर रहे थे। एरिक भी माइकल की मदद करने के लिए उसके पीछे चला गया। साइकिल चलाते चलाते वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया था जिसके दोनों तरफ जंगल था। एरिक को लगा कि शायद वो भटक चुका है और उसने वापस मुड़ने का सोचा। लेकिन वो जैसे ही मुड़ने लगा उसे जंगल की एक तरफ से थोड़ी हलचल सुनाई दी। एरिक ने उस तरफ नजर उठाकर देखा तो रोड के साइड पर लगी झाड़ियां बहुत जोर जोर से हिल रही थीं। एरिक हिम्मत करके उन झाड़ियों के पास गया तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाला भेड़िया एक इंसान को नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर एरिक का शरीर बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसने ध्यान से देखा तो वो शरीर जिसे वो भयानक भेड़िया चबा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़के का था जो स्कूल के बाहर माइकल को बुली कर रहा था। एरिक धीरे धीरे पीछे जाने लगा कि तभी उसका पैर नीचे पड़ी एक सूखी टहनी पर जा लगा जिससे एक जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनते ही वो भेड़िया पीछे मुड़ा और सीधा एरिक के ऊपर झपट गया। एरिक अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उस भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस रोड पर से एक कार गुजरी और वो भेड़िया अचानक एरिक को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। एरिक तुरंत खड़ा हुआ और घबराई हुई हालत में वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग गया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को लेकर उसी जगह पर पहुंच गया। पर ना तो अब वहां पर कोई भेड़िया था और ना ही किसी की बॉडी। पुलिस को लगा कि एरिक उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने एरिक को डांट लगाकर घर भेज दिया। अगले दिन स्कूल में एरिक अपने फेवरेट टीचर मिस्टर ब्लैक से इस बारे में बात करने गया। एरिक की मॉम के मरने के बाद प्रोफेसर ब्लैक ने एरिक को काफी इमोशनली सपोर्ट किया था। एरिक को यकीन था कि कोई उसकी बात को समझे ना समझे मिस्टर ब्लैक जरूर समझेंगे। एरिक ने अपने साथ हुआ किस्सा उन्हें बताया और एरिक की बात सुनकर मिस्टर ब्लैक हैरान हो गए और उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और अपनी अलमारी में से एक पुरानी सी किताब निकाली। एरिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर फिर मिस्टर ब्लैक ने उस किताब को खोला
और कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि एरिक ने जो कल देखा वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था बल्कि एक वेयरवुल्फ था। वेयरवुल्फ यानी ऐसे मिथिकल क्रीचर्स जो वैसे तो इंसानी रूप में रहते हैं पर आपे से बाहर हो जाने पर या किसी चांदनी रात में एक भयानक भेड़िए में बदल जाते हैं। ये सुनते ही एरिक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलने लगी, वो माइकल के पीछे उस रास्ते पर गया था और जो बच्चा कल मारा गया वो माइकल को ही बुली कर रहा था। ये सब सोचकर एरिक को लगने लगा कि माइकल एक वेयरवुल्फ है और उसी ने कल उस पर हमला किया था। उस दिन के बाद से लगभग हर दिन लोगों के लापता होने की खबर आने लगी। एक दिन मिस्टर ब्लैक ने एरिक से कहा कि उन्हें उस भेड़िए को मारना होगा। मिस्टर ब्लैक ने कहा कि एरिक का सामना उस भेड़िए से पहले हो चुका है, इसलिए वो भेड़िया एरिक का शिकार करने जरूर आएगा और इससे पहले वो आए एरिक को उसे ही मार देना चाहिए। स्कूल के बाद एरिक मिस्टर ब्लैक के साथ उनके घर चला गया। मिस्टर ब्लैक ने उसे पीने के लिए कॉफी दी लेकिन उस कॉफी को पीते ही एरिक को चक्कर आने लगे और उसे सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसने देखा कि मिस्टर ब्लैक अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। बाहर बहुत रात हो चुकी थी और चांद भी नजर आने लगा था। एरिक बेहोशी की हालत में ये सब देख ही रहा था कि अचानक से एरिक को मिस्टर ब्लैक के बेडरूम से एक जोर की आवाज आई। एरिक तुरंत उठकर बेहोशी की हालत में उनके कमरे के दरवाजे पर गया। दरवाजा अंदर से लॉक था। एरिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो मिस्टर ब्लैक को जोर जोर से आवाज देने लगा और दरवाजा नॉक करने लगा पर मिस्टर ब्लैक ने कोई जवाब नहीं दिया। एरिक को अंदर से किसी भेड़िए की गुहार करने की आवाज आ रही थी। एरिक ने कीहोल से जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसके होश ही उड़ गए। एरिक की आंखों के सामने मिस्टर ब्लैक की रीढ़ की हड्डी गोल हो गई और उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उगने लगे। उनका मुंह लंबा होने लगा और दांत एक जानवर जैसे बड़े हो गए। कुछ ही सेकेंड्स में मिस्टर ब्लैक उस खूंखार भेड़िए में बदल चुके थे। एरिक समझ गया था कि वो वेयरवुल्फ माइकल नहीं बल्कि मिस्टर ब्लैक ही थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मिस्टर ब्लैक ने दरवाजा तोड़ते हुए एरिक पर हमला कर दिया। वो एरिक को नोचने लगे और एरिक दर्द में अपना हाथ इधर उधर मार रहा था कि तभी उसके हाथ में मिस्टर ब्लैक का लाइटर आ गया। एरिक ने जैसे ही वो लाइटर जलाया वो भेड़िया पीछे हट गया। एरिक ने आसपास की सारी चीजों को जलाना शुरू कर दिया। आग के डर से वो भेड़िया वहां से भाग गया। जब पुलिस मिस्टर ब्लैक के घर पहुंची तो उन्हें दिखा कि मिस्टर ब्लैक का घर जला पड़ा है और एरिक एक कोने में बेहोश पड़ा है। एरिक को जब होश आया तो उसने पुलिस को सब कुछ बताया लेकिन उस दिन से मिस्टर ब्लैक भी गुमशुदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। उन्हें एरिक की कहानी पर यकीन तो नहीं था लेकिन उस दिन के बाद से शहर का कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ। एरिक उस दिन बाल बाल बच गया लेकिन अपने साथ हुआ वो भयानक एक्सपीरियंस वो शायद कभी नहीं भूलेगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ मिस्टर ब्लैक का? और अगर आप चाहते हैं कि हम भी वेयरवुल्फ पर एक ओरिजिनल सीरीज बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अपने आइडियाज हमसे शेयर कीजिए। हमारी अगले हफ्ते की कहानी भूत कोला कंटारा स्पेशल स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।